जोनाथन नामक वो जो डीमन है वो अनलीश किया जा रहा है कंपाउंड के अंदर सबसे बेहतरीन जोन। बट वहीं दूसरी तरफ ज़ीगॉड इस शोर की रीजन को काफी अच्छे तरीके से होल्ड किया गया है। इन्हें पता है कितने प्लेयर्स अभी भी पानी में स्विम कर रहे हैं। गॉड लाइक 11 फिनिशेस ऑलरेडी यहां से अर्जित कर चुकी है। सारे मैचेस खेलती है इसी तरीके का डोमिनेशन वो हर मैच के अंदर दिखाती है आती भी हमें नजर आएगी। जब जोन बना तब उनको एक साथ आना चाहिए था, वो अलग अलग दिशा में आए और मुश्किल उनकी बढ़ती रही। गॉड लाइक एक एक करके पानी में से मछलियां चुनते हुए नजर आ रहे हैं। सोल के गोब्लिन को पिक करा गया, अब टीम फॉरएवर के प्लेयर्स को पिक जा रहा है और ईस्पोर्ट्स के जैजी को भी मेरे ख्याल से यहां पे पिक कर दिया जाता है। फाइनली वो डिस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। न्यू प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश यहां पे नियो की तरफ से स्प्रे आपको देखने को मिलता हुआ। क्या वहां पर नॉक निकल सकता है? रेड ग्लिच के कारण नॉक नहीं निकल पाया, बट व्हाट इज जस्ट हैपन गिवन ईस्पोर्ट्स के क्रांति ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को बैकफुट पे डालते हुए। फाइनली क्या आपने नॉक खिलाड़ी को रिवाइव देने की कोशिश? जी हां, लगातार कोशिश की जा रही है। वहीं नियो का एक रोटेशन, एक फ्लैंक देखिए, उस हाई ग्राउंड के पोजीशन से वो लगातार फिनिशर्स बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, धीरे धीरे यहाँ पे गॉड लाइक आगे बढ़ना चाहेगा। जो बचे हुए फिनिशेस हैं वो जरूर लेना चाहेगा। 19 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 3 और अगर वो ले लेते हैं बहुत ज्यादा मैसिव डिफरेंस वो क्रिएट कर सकते हैं। जोकर अपने नेट से नॉक करते नजर आ जाएंगे। एक फिनिश नहीं दिया जाएगा यहाँ पे गॉड लाइक को, बिकॉज अपने खुद के नेट से जोकर यहाँ पे खत्म होते भी नजर आए। बट अब इट्स अ 4v1 सिचुएशन। क्रांति इज लास्ट मैन स्टैंडिंग। व्हाट इज गॉड लाइक गोना डू नाउ? एंड उनको भी खत्म करा जाएगा। जोनाथन एक मैच से 10 फिनिश लेके जाते हुए। डिवाइन, आई एम ड्रीमिंग राइट नाउ।